Yes. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यून केमिस्ट्री क्लास। आज जो अपन बात करने वाले स्टूडेंट, जो टॉपिक है वो केमिकल बॉन्डिंग, जो चैप्टर चल रहा था उसी के बारे में आगे बढ़ेंगे। और बॉन्ड जो पैरामीटर होते हैं स्टूडेंट्स, उसकी बातें कर रहे थे। उसी के अंदर एक नेक्स्ट अपना बॉन्ड पैरामीटर है जिसका नाम है बॉन्ड एंगल। क्या नाम है? बॉन्ड एंगल, जिसको नोट कर रहा हूँ मैं BSA। ध्यान रहे बॉन्ड एंगल स्टूडेंट्स, आगे अपने काम आने वाला है। किसमें? VSEPR जो थ्योरी अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट इसी की बाद में, उस VSEPR थ्योरी के अंदर इसको यूज करेंगे बॉन्ड एंगल को। जरा ध्यान से समझ लेना बॉन्ड एंगल का मतलब क्या है। देखो मेरे पास में एक एटम है, यहाँ पर ये एटम है, एक एटम यहाँ पर है, एक एटम यहाँ पर है। अगर मैं एटम को जोड़ देता हूँ, आपस में लिंक कर दूँ, ये एटम मैंने लिंक कर दिया और मैंने ये एटम यहाँ पर लिंक कर दिया, इनके बीच में जो यहाँ पर ये जो बना है ये क्या है? बॉन्ड एंगल। क्या कहलाएगा ये? एंगल कहलाएगा। और केमिस्ट्री की भाषा में इसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। क्या बोलते हैं इसको? बॉन्ड एंगल। तो दो बॉन्डों के बीच में जो बनने वाला एंगल होता है उसे क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल। क्या बोला जाता है? बॉन्ड एंगल बोला जाता है। जैसे मैं कह रहा हूँ H2 मॉलिक्यूल, कौन है मेरे पास में? H2O मॉलिक्यूल। तो आप सभी जानते हैं H2O मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 104 डिग्री 5 मिनट होता है। कितना होता है? 104 डिग्री 5 मिनट होता है। तो ये अपन ने कैसे मालूम किया? ये देखिए यहाँ पर मैं कह रहा हूँ CH4 मेथेन, बताइए बॉन्ड एंगल कितना होगा? आप सभी जानते हैं, नॉर्मल सी बात है, 109 डिग्री 5 मिनट इतना होता है, 109 डिग्री, लगभग 109 डिग्री के आसपास है, ये अपने को यहाँ पर मिल जाता है। तो ये नॉर्मल सी है। ये बॉन्ड एंगल रिप्रेजेंट कैसे किए जाते हैं? किसी भी सेंट्रल एटम से, यानी सेंट्रल एटम हो गए, इसे यहाँ पर देखें तो कार्बन कौन है? यहाँ पर कार्बन सेंट्रल एटम है। किसी भी सेंट्रल एटम से जुड़ने वाले जो एटम होते हैं या बॉन्ड का फॉर्मेशन अगर होता है, तो दो जो बॉन्ड होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, दो बॉन्डों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे बॉन्ड एंगल कहते हैं। तो क्या कहलाएगा? बॉन्ड एंगल इज ए डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड्स विच रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ एटम्स बिटवीन और रेस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम्स है। तो सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में कौन सा एटम कहाँ पर लगा हुआ है, ये नोट किसके द्वारा किया जाता है अपने पास में? ये नोट करते हैं बॉन्ड एंगल के द्वारा। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट अपने पास में आ गया, बॉन्ड एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ओके, अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल जो होता है वो किस प्रकार से रिलेटेड होता है। सबसे पहले बात करें कार्बन में CH4 में, देखिए यहाँ पर CH4 को आप रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप से। ये रहा आपके पास में CH4 और ये मैंने आप यहाँ पे बनाया, ये सेंट्रल एटम है कार्बन को, नहीं ये सेंट्रल एटम कार्बन है। यहाँ पर मैंने लगा दिया हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन। ये वाला जो बॉन्ड एंगल कहलाएगा, क्या कहलाएगा? डेट इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। और ये कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट। कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट जो होता है ये बॉन्ड एंगल यहाँ पर पाया जाता है। नॉर्मली अपन देखें तो 180 डिग्री 28 मिनट जो होता है ये बॉन्ड एंगल किसका है? CH4 का। अब ये जो बॉन्ड एंगल यहाँ पर है स्टूडेंट्स, ये बॉन्ड एंगल क्या करेगा? सभी के अंदर पाया जाएगा। जैसे ये वाला एटम यहाँ से घूम के यहाँ गया तो बॉन्ड एंगल कितना बढ़ाएगा? 128 डिग्री। तो ये फिक्स हो गया, 109 डिग्री 28 मिनट ही बॉन्ड एंगल मिलेगा कार्बन के बीच में हाइड्रोजन के बीच। इसका मतलब कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इसमें बॉन्ड एंगल कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट होता है। समझ गए बातें? ऐसे अगर H2 की बात करें, ये अपने पास ऑक्सीजन एटम होता है, ये वाला आपके पास में हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है। ऑक्सीजन से कहाँ जुड़ेगा ये एटम्स? उसकी डिस्टेंस बॉन्ड एंगल कहलाएगी, ये बॉन्ड लेंथ कहलाएगी। और दो बॉन्डों के बीच का जो गैप है, यहाँ पर ये गैप आपको दिखाई दे रहा है, ये गैप क्या कहलाएगा? बॉन्ड एंगल को नोट करेगा। किसको नोट करेगा? बॉन्ड एंगल को नोट यहाँ पर करने वाला है। ओके, तो बॉन्ड एंगल यहाँ से क्लियर हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर बॉन्ड एंगल किससे इफेक्ट होता है, बॉन्ड एंगल का कौन सबसे अधिक इफेक्टेड पार्ट होता है, कौन सबसे ज्यादा फैक्टर होता है जो बॉन्ड एंगल को इफेक्ट करता है। देखिए यहाँ पर बॉन्ड एंगल की जो बात अपन VSEPR थ्योरी के अंदर भी करने वाले हैं, तो उससे पहले अपन एक पॉइंट देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा फैक्टर होता है जो बॉन्ड एंगल को इफेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर उसमें इससे पहले आपको पढ़ा होगा, एक एग्जांपल देखिए फिर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। CH4 एक है आपके पास में NH3, एक है आपके पास में H2। इस वाले के पास एक लोन पेयर है, इसके पास में भी क्या है? दो लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास ऑलवेज दो लोन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर होता है। यहाँ पर अपन देखें तो बॉन्ड एंगल जो होता है वो इसका होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। फिक्स सही है CH4 के अंदर इतना ही रहेगा।
एनएस थ्री में बात करें तो ये बोन्ड एंगल 107 डिग्री 4 मिनट के आसपास होते हैं, और एच टू में अगर बात करें तो ये 104 डिग्री और 5 मिनट के आसपास बोन्ड एंगल होता है। तो ये तो इसकी बात किसकी हो गई, बोन्ड एंगल की यहाँ पर बातें हो गई। अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि मेरे इस वाले में बोन्ड एंगल तो है, ये अपन ने निकाल लिया यहाँ पर बोन्ड एंगल किसका होगा। अब देखते हैं पर बोन्ड एंगल जो उसमें चेंज कैसे हो रहा है। देखो यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर कौन है ऑक्सीजन, कौन है ऑक्सीजन यहाँ पर है। अब आप देखिए कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, नाइट्रोजन की उससे कम है और कार्बन की उससे कम पाई जाती है। अब यहाँ पर देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है अगर वो इंक्रीज हो रही है तो बॉन्ड एंगल जो हो जाता है, बॉन्ड एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। आप देख लीजिए कार्बन से नाइट्रोजन ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है कि नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है किसकी, सेंट्रल एटम जो होता है, सेंट्रल एटम जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज हो जाती है तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा यहाँ से स्टूडेंट से डिक्रीज हो जाएगा। ये चीज अपने को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। तो मोस्टली बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है बॉन्ड एंगल को डायरेक्टली इफेक्टेड करती है। ओके, तो ये अपन ने फिलहाल इसमें बात की कि बॉन्ड एंगल जो होता है उसका बॉन्ड एनर्जी के साथ में या बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ में जो लिंक होता है किस टाइप से जनरेट होता है, उसका क्या एंगल किस टाइप से अपन कैलकुलेट करते हैं वो अपन यहाँ पर देखा। ठीक है, नेक्स्ट वाली क्लास में है बॉन्ड पैरामीटर का अपन एक पॉइंट है अपने पास में जो बॉन्ड के अंदर एक नेसेसरी कंडीशन होती है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी काम आता है अपने पार्ट सेकंड के अंदर भी, उसका नाम है रेजोनेंस। क्या होता है रेजोनेंस, उसकी बातें अपन नेक्स्ट वाली यूनिट में करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।